शेख, मेरा सवाल ये था कि निकाह करने से पहले जो लड़का और लड़की की मुलाकात होती है महरम के मौजूदगी में, तो लड़की अपना मतलब कितना अपने आप को एक्सपोज कर सकती है, मतलब जो लड़का है उसके सामने, मतलब क्या सर भी ढकना है, हथेली, पैर, ये सब? वाजे है बिल्कुल। देखिए अपने महारिम के सामने जितना वो एक्सपोज करती है अपने आप को उतना एक्सपोज कर सकती है। आम चीजों से आम तौर पर जो चीजें या जिस्म के जो आज़ा वो अपने घर में अपने महारिम के सामने खोलती है उसको खोल सकती है। जैसे अपना चेहरा, बसा औकात अपना बाल भी खोलती है, वो भी खोल सकती है। हालांकि ये बहुत इख्तलाफी मसला है, लेकिन सही बात यह है कि आमतौर से औरत अपने जिस्म के जो आज़ा अपने घर में अपने महारिम के सामने जाहिर करती है वो चीजें खोल सकती है। चेहरा हुआ या बाल का कुछ हिस्सा हुआ या बाल या हथेली, पांव, ये सारी चीजें वो खोल सकती है। महारिम यानी भाई बाप या और भी जो हाँ, लोग अपने करीब भाई हैं। बाप वगैरह के सामने किस तरह से रहती है उस तरह से। जी बहन, शेक, और परफ्यूम और मेकअप ये सब? जी आवाज भैया, आपकी परफ्यूम शेक, आवाज बहुत आ रही। परफ्यूम और मेकअप भी कई देखिए सारे लोग करते हैं। देखिए मेकअप का मसला हमने शायद जहाँ पे पैगामे निकाह का के मसले पर बात की थी वहां पे हमने जिक्र किया था कि जिस वक्त जो नजरा शरईया जिसको कहते हैं, यानी जब पैगाम देने वाला आपको देखने आए तो आपको नॉर्मल, जो औरतें नॉर्मल मेकअप करती हैं, नॉर्मल मेकअप वो आप कर सकती हैं। ऐसा मेकअप औरत नहीं कर सकती है कि वो कुछ का कुछ बन जाए, जो कि होता है। हम सब लोग इस जमाने में जानते हैं कि औरत कुछ की कुछ बन जाएगी, बाद में जब वो नॉर्मल हालत में आएगी आपके सामने तो बसा औकात हो सकता है आप उसको पहचान भी ना पाए कि ये वही औरत या वही लड़की है जिसको मैंने पहले देखा था। तो ऐसा मेकअप नहीं होना चाहिए जो उसकी असल शक्लो सूरत को छुपा दे, क्योंकि ये धोखा है। ये जो देखने का मकसद यही है कि वो आपको आपकी असली और नॉर्मल हालत में देखे। बाकी जो मामूली चीज है, मामूली आम हालात में औरत भाई मुंह धो लेना या मामूली जो है चेहरे की सफाई कर लेना, वो चीजें तो नॉर्मल है, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी हालत मुकम्मल बदल गई। तो आप ऐसा मेकअप इतना जो है ज्यादा मेकअप नहीं कर सकती हैं जिससे आपकी असली शक्ल सूरत जो है वो बदल जाए और बाद में वो आपको पहचान भी ना पाए और उसे धोखा हो जाए, ये जायज नहीं है। बाकी जो परफ्यूम लगाने की बात है, परफ्यूम लगाना ये जायज नहीं है। देखिए एक बात आप याद रखें इस मसले में कि किसी औरत का अजनबी मर्द के सामने जाना मना है, ठीक है? ये पहली मना ही हुई, अजनबी मर्द के सामने औरत का जाना मना है, ये एक बात। दूसरी बात, औरत का अजनबी मर्द के साथ खलवत में होना भी मना है, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, किसी औरत का खुशबू लगा करके अजनबी मर्दों के दरमियान जाना मना है, ये तीसरी बात हो गई। और भी कई सारी चीजें मना है। हम इन्हीं तीनों चीजों को देखते हैं। अब हमारी शरीयत ने शादी का पैगाम देने के मौके पर ये खसूसी तौर से इस्तिस्नाई शक्ल में इस बात की इजाजत दी कि वो आपका होने वाला शौहर आपको देख सकता है, और इसकी इजाजत इसलिए दी गई क्योंकि इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसलिए इसकी इजाजत दी गई, वरना असलन ये हराम है। ये जो हुक्म है ये इस्तिस्नाई एक्सेप्शन है, वरना असलन उसका देखना हराम है। तो ये जो तीन चीजें मैंने जिक्र की, हमारी शरीयत ने एक की इजाजत दी, क्यों इजाजत दी? जरूरत के लिए इजाजत दी। अब जिस चीज की इजाजत जरूरत के लिए दी है उसकी बुनियाद पर जो दूसरी हराम चीजें हैं वो जायज नहीं हो जाएंगी। इजाजत एक चीज की दी गई है, देखने की, खलवत की इजाजत नहीं दी गई है, और परफ्यूम लगाना मना है अजनबियों के सामने, अजनबियों के दरमियान, वो मनाही अपनी जगह पर बरकरार रहेगी। तो अगर एक चीज की इजाजत दी गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दूसरे अहकाम हैं, जो दूसरी हराम चीजें हैं, उनकी भी इजाजत दे दी गई है।